दोस्तों आज तारीख 17 जून 2024 दिन सोमवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए एक तो आज ईद उल अजहा है, सभी को मुबारक बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस ईद उल अजहा के मौके पर सभी देशवासियों से शांतिपूर्ण पर्व मनाने की अपील भी की है उलमा ने। वहीं देखिए बकरीद को लेकर सड़क पर उतरे एसपी मिर्जापुर में लोगों से खुले में कुर्बानी न करने की अपील की और शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की बात कही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी ना दी जाए। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने भी निर्देश जारी करते हुए कहा कि बकरीद पर गोवंश के वध को रोकने के लिए प्रभावी इंतजाम करें और खुफिया नजर रखी जाएगी। प्रदेश में कई जगहों पर आज ट्रैफिक व्यवस्थाएं भी बदली रहेगी। गोरखपुर में ईद उल अजहा की नमाज के लिए दोपहर 12 बजे तक रूट डायवर्जन रहेगा, शहर में गाड़ियां वगैरह भी नहीं चलेगी। और आज 17 जून को शेयर बाजार भी बंद रहेगा, लगातार तीसरे दिन कोई कामकाज नहीं होगा। आज बकरीद के चलते ही इंडियन स्टॉक मार्केट में हॉलीडे रहेगा। और वहीं दोस्तों आज देश के कई शहरों में बैंक भी बंद रहेंगे, बैंक हॉलीडे रहेगा। किन किन शहरों में बैंक क्लोज रहेंगे देख सकते हैं आप ये पूरी लिस्ट भी। अच्छा बकरीद के साथ ही दोस्तों आज निर्जला एकादशी का त्योहार है, इसकी भी ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप भी निर्जला एकादशी का व्रत कर रही हैं जो माताएं बहनें करती हैं, तो इस बार कंफ्यूजन बना हुआ है कि निर्जला एकादशी 17 तारीख को है या 18 जून को है, तो सही तिथि और मुहूर्त क्या है आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों हिंदी पंचांग के मुताबिक इस बार ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ तो आज 17 जून सुबह 4:43 से हो चुका है और इसका समापन कल 18 जून को सुबह 7:24 पर होगा। ऐसे में दोनों ही दिन ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी तिथि है, लेकिन पंचांग के मुताबिक इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून मंगलवार को कल रखा जाएगा और फिर एकादशी व्रत का पारण परसों 19 जून को सुबह 7:28 से पहले करना होगा। ओके और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी खबर, 1 जुलाई से शुरू होगा संचारी रोग नियंत्रण अभियान, 31 जुलाई तक चलेगा ये। मोहल्ला निगरानी समितियों के माध्यम से फैलाई जाएगी जागरूकता भी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा निर्देश जारी किया गया। और वहीं आपको बता होगा दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी की मुलाकात की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन अभी तक भी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, जबकि 5 दिन से संघ प्रमुख गोरखपुर में ही हैं। उनसे ठीक 12 किलोमीटर की दूरी पर 2 दिन सीएम भी रहे, लेकिन मुलाकात का सिलसिला नहीं बना। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तराखंड ऋषिकेश एम्स में भर्ती अपनी मां से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका हालचाल भी जाना। जब वो सीएम योगी अपनी मां से मिल रहे थे तो उन्होंने मास्क लगा रखा था, लेकिन मां की इच्छा के बाद उन्होंने अपने मुंह से मास्क भी हटाया, ये देख सकते हैं तस्वीरें आप। चलिए बड़ी खबर देखिए, लखनऊ में पहली बार 169 साल पुरानी जौनपुरिया इमरती का निर्माण हुआ। जौनपुर से ही मंगाई जाती है दाल, खांडसारी, घी और इन सभी को मिलाकर अब GI टैग भी हासिल हो चुका है इस मिठाई को। चलिए खबर है, 39 करोड़ से आजमगढ़ में बनेगा फोरेंसिक लैब, योजना विभाग ने शुरू की प्रक्रिया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट एजेंसी के जरिए निर्माण की गुणवत्ता व प्रगति को परखा जाएगा। वही देखिए रेलवे ने भी बड़ी खुशखबरी दी है, यात्रियों और कर्मचारियों को होगा लाभ, अब हादसे कम होंगे। दरअसल दोस्तों आगरा रेल डिवीजन में पहली बार रेलवे की टेस्टिंग लैब के साथ साथ मेंटेनेंस वर्कशॉप की स्थापना भी की गई है और इससे होगा ये कि रेल इंजनों को ट्रैक पर उतरने से पहले ही टेस्टिंग लैब से होकर गुजरना होगा, मतलब उनकी वहाँ एक बार पहले चेकिंग हो जाएगी, तो ऐसा होने से हादसों की गुंजाइश बेहद कम हो जाएगी और आपकी रेल यात्रा और ज्यादा सुरक्षित होगी, है ना। ये वाकई में यूपी रेलवे की बहुत ही अच्छी पहल है। वैसे रेल यात्रियों के लिए एक और अपडेट आ रहा, उत्तर प्रदेश बिहार समेत कई रूट की ट्रेनें जुलाई तक रद्द रहेगी, तो आप रेल यात्रा करने से पहले अपना शेड्यूल जरूर चेक कर लें। चलिए अगली खबर देखिए, NCERT ने 12वीं कक्षा का सिलेबस बदला, बड़ा बदलाव किया। अब 12वीं कक्षा की NCERT किताबों में गुजरात दंगों से लेकर यूपी की बाबरी मस्जिद से जुड़े संदर्भ में भी बदलाव किया गया है। NCERT प्रमुख का कहना है कि दंगों के बारे में बच्चों को पढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंसा और विध्वंस जैसे पाठ जरूरी नहीं है। मुख्य बदलाव ये रहा कि NCERT की नई बुक में बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं किया, इसे 3 गुंबद वाला एक ढांचा लिखा गया है और अयोध्या विवाद को भी अयोध्या विषय नाम दिया गया है। पॉलिटिक्स इन इंडिया के बुक में ये बड़ा बदलाव हुआ है। चलिए खबर देखिए, अयोध्या आ रहा देश का सबसे बड़ा धनुष, लंबाई इतनी की हाईवे के तारों में फंस गए हैं और फिर कंपनी के अफसरों को बुलाया गया, साथ में 4,000 किलो की भगवान हनुमान की गदा भी लाई जा रही है। मैंने आपको बताया था ना राजस्थान में इनका निर्माण हुआ और इनकी विशालता का अंदाजा आप इनके आंकड़ों को देखकर लगा सकते हैं। ये है हनुमान जी की गदा जिसके पैरामीटर्स यहाँ देख सकते हैं आप, और ये है भगवान श्री राम का धनुष बाण जिसकी भी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, पहली बार 7 बेटियों ने की संगम की आरती, गंगा दशहरा पर काशी में हुई माँ गंगा की महाआरती, 5,000 मीटर की चुनरी भी चढ़ाई गई। और देखिए वाराणसी विश्वनाथ धाम में भी इस मौके पर 3,50,000 भक्तों ने दर्शन किया, गंगा दशहरा पर विशेष पूजन का आयोजन हुआ। चलिए दोस्तों अब अपन आज के मौसम समाचार
पर नजर डाल लेते हैं तो देखिए लखनऊ में गर्मी ने जून महीने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। पारा 45 डिग्री से भी ऊपर पहुंचा। धूप में कई लोग बेहोश भी हुए। वाराणसी में भी हालात कुछ गंभीर चल रहे हैं। 24 घंटों में ही गर्मी और उमस की वजह से 15 लोगों की जान चली गई। अस्पताल पहुंचते किसी ने गेट पर तो किसी ने बेड पर दम तोड़ दिया। जिला मंडलीय और बीएचयू में अभी भी भर्ती 100 लोगों की हालत काफी गंभीर है। तो भीषण गर्मी और लू के दौरान आप भी अपने बचाव का ध्यान रखें दोस्तों। आगरा में भी देखिए दिन में ही पारा 47 डिग्री चल रहा, रात में 36 डिग्री टेम्परेचर। और मौसम विभाग का कहना कि 19 जून तक अभी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। गर्मी से ताजमहल देखने आए एक पर्यटक की भी मौत हो गई। और प्रयागराज में देखिए भीषण गर्मी के चलते एक चलती कार में ही आग लग गई। ये देख सकते हैं आप सड़क पर तस्वीरें। हालांकि उत्तर प्रदेश में पहुंचने वाला मानसून 14 दिन से बिहार और बंगाल में अटका हुआ है। यही वजह है कि मानसून थोड़ा देरी से पहुंच रहा है। फिर भी अभी मानसून प्रदेश में 20 से 25 जून तक आने की संभावना है। और मानसून आने से पहले ही भीषण गर्मी के बीच ही योगी सरकार ने बाढ़ से निपटने की तैयारी भी शुरू कर दी है। क्योंकि भले ही अभी तो भयंकर गर्मी पड़ रही है लेकिन वर्षा ऋतु में कई जिलों में जो बाढ़ आती है ना, तो उससे निपटने की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। 3 भागों में बांटा गया पूरे उत्तर प्रदेश को और 29 अति संवेदनशील जिलों पर पैनी नजर रखी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगामी मानसून को लेकर सभी अधिकारियों को अलर्ट होने का निर्देश भी दे दिया है। तो ये आगामी तैयारी की वाकई में अच्छी पहल है। और एक खबर देखिए, हज यात्रियों के लिए भी सच हुई भविष्यवाणी। सऊदी में हीट स्ट्रोक की वजह से 14 हज यात्रियों की जान जाने की खबर है। ओके, और चलिए दोस्तों मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। यूपी की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये कि अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा ताकि आपको अपने राज्य की तमाम बड़ी खबरें और डेली के डेली मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि हर जरूरतमंद को इलाज के लिए भरपूर आर्थिक मदद दी जाएगी। गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान सीएम ने 350 से ज्यादा लोगों की जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को ये निर्देश दिए। और वहीं खबर देखिए, कुवैत अग्नि हादसे में जो यूपी के 3 मृतक थे उनके परिजनों से भी मुलाकात की सीएम योगी ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मदद देने की भी घोषणा की। वैसे उस अग्निकांड में टोटल 46 भारतीयों समेत 50 लोगों की जान चली गई। और देखिए बड़ी ठगी की खबर, कानपुर में टेलीग्राम ऐप के जरिए साथियों ने ठग लिए 4.5 लाख रुपए के लगभग। आजकल कई लोग लालच देकर कमाई का लालच देते हैं पहले और फिर ठगी करते हैं, तो ऐसे टेलीग्राम पर बहुत ज्यादा फर्जीवाड़े होते हैं, सावधान रहिएगा आप भी। वहीं खबर देखिए, 300 घरों की बंद की जलापूर्ति, हर घर जल योजना के नलकूप से खेतों की हो रही सिंचाई। शाहजहापुर के कुटार क्षेत्र में यह बड़ा खुलासा सामने आ रहा, देखिए मतलब हालात। और खबर है उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से 10 रूपए हो जाएगा ट्रेनों का न्यूनतम किराया। फिर से शुरू हुई बंद हुई पैसेंजर गाड़ियां, जो कोरोना काल के दौरान काफी ट्रेनों को बंद कर दिया था, तो उन्हें भी जुलाई से वापस शुरू किया जाएगा। और 1 जुलाई से ट्रेनों को स्पेशल की जगह रेगुलर नंबर से चलाया जाएगा। अब किराया काफी कम हो जाएगा, जहां पहले 30 से 45 रूपए लगते थे महज 10 रूपए ही किराया लगेगा। रेल यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर है, 6 नए रूटों पर नई ट्रेनों का संचालन भी होने जा रहा। काठगोदाम और दिल्ली के बीच दौड़ेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी। वहीं देखिए सोनभद्र में भी जल संकट देखा जा रहा। पेयजल की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और हर घर नल योजना लागू करने की मांग की। दोस्तों अभी भीषण गर्मी के बीच पानी की बहुत ज्यादा किल्लत चल रही है। सबसे ज्यादा खराब हालात तो आपको बताओ हमारे दिल्ली में कितने गंभीर चल रहे हैं। पीने के पानी के लिए भी लोग बाग तरस रहे हैं। ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा मतलब पानी टैंकर के जरिए सप्लाई हो रहा है, जहां भी लोगों की इतनी मारामारी हो रही है। चलिए अगली खबर है, मंगल ग्रह पर पहुंचा हाथरस का कस्बा मुरसान। यूपी के महान वैज्ञानिक का नाम हुआ अमर, सतह पर खोजे 3 क्रेटर्स भी। ये वाकई में पूरे यूपी के लिए बड़ी उपलब्धि है। और खबर है, शिक्षकों को एक जिले से दूसरे जिले में स्वेच्छा से तबादले पर पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया, मैंने आपको कल ही बताया था इस बारे में जानकारी है ना। और वहीं खबर देखिए, अयोध्या श्री राम जन्मभूमि परिसर में भी होगी अब 24 घंटे इलाज की व्यवस्था, 365 दिन फ्री सेवा दी जाएगी। अपोलो की एक संस्था की तरफ से ये शानदार पहल शुरू की गई है। अयोध्या घूमने आने वाले लाखों भक्तों को अब मुफ्त इलाज मिलेगा और वो भी साल के 365 दिन। चलिए खबर है, आज से नहीं खुलेंगे उत्तर प्रदेश के स्कूल। 8वीं तक के बच्चों को बड़ी राहत मिली है, समर वेकेशन यानी गर्मी की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। वैसे तो स्कूल खुलने की लास्ट डेट कल थी क्योंकि आज तो कुछ त्योहारों वगैरह की वजह से छुट्टी रहती, लेकिन अब 8वीं तक के स्टूडेंट की छुट्टियां 28 जून तक बढ़ा दी है, जबकि परिषदीय स्कूलों में भी 24 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेगी, ठीक है ना। चलिए खबर है, लखनऊ में गर्जा एलडीए का बुलडोजर, एक ही दिन में तोड़े गए रिकॉर्ड तोड़ 250 से भी ज्यादा अवैध निर्माण, आज भी जारी रहेगी कार्यवाही। और बिजली खपत का एक नया रिकॉर्ड देखिए, 800 मेगावाट तक पहुंचा आंकड़ा वाराणसी में। लोड मैनेजमेंट अब एक बड़ी चुनौती बन रहा, बढ़ती गर्मियों के बीच बिजली की मांग भी काफी ज्यादा हो रही है। यूपी में इलेक्ट्रिसिटी पर एक और अपडेट देखिए, बिजली कटौती और दर बढ़ोतरी के प्रस्ताव का विरोध किया गया। अखिलेश यादव बोले कि जनता से हार का बदला ले रही भाजपा। कल एक खबर आई थी, मैंने आपको बताया भी था कि यूपी में लगभग 3 करोड़ ग्रामीणों का 1.5 गुना तक बिजली बिल हो जाएगा। विभाग की तरफ से ये नया आदेश जारी किए गए, ग्रामीण इलाकों में काफी
की जगहों पर शहरी दरें लगाई जाएगी, है ना। तो अब इस बात का विरोध पहले से होना शुरू हो चुका है। इसी बीच प्रदेश के ऊर्जा मंत्री भी बोले कि सरकार का प्रयास ये है कि बिना दर बढ़े लोगों को भरपूर बिजली मिलती रहे, और बिजली कटौती जो होती है उसके पीछे बड़ी कारण स्थानीय फॉल्ट भी है। और खबर देखिए, अखिलेश यादव ने फिर जताया ईवीएम पर भी शक, कहा कि हम बैलेट पेपर से चुनाव की मांग फिर से दोहराते हैं। दरअसल कल मशहूर कारोबारी एलन मस्क ने एक बयान दिया था कि एआई से ईवीएम भी हैक हो सकती है, तो उसके बाद एक बार फिर से ईवीएम का मामला चर्चा में आ गया। चलिए खबर है, 16 घंटे काशी में रहेंगे पीएम मोदी। एसबीजी दल पहुंच चुका पहले से ही, रोपवे प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण भी कर सकते हैं। कल 18 जून को वो काशी आ रहे हैं। और खबर है, इंडियन एयरफोर्स रेड फ्लैग युद्धाभ्यास 2024 में शामिल हुआ। अमेरिका के अलास्का में सिंगापुर जर्मनी की वायुसेनाओं के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज की इंडियन एयरफोर्स ने। और वहीं दोस्तों इंडियन आर्मी के लिए एक और अच्छी खबर देखिए आप, अब सेना की ताकत और बढ़ेगी। डीआरडीओ ने तैयार की स्वदेशी कम दूरी वाली मिसाइल, जो कि अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में इसका परीक्षण किया जाएगा, है ना। और चलिए कुछ और नेशनल न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए, गाय के गोबर से बना खादी प्राकृतिक पेंट्स को एनएचटी से मिला सर्टिफिकेशन। आम पेंट के मुकाबले ये ज्यादा सस्ता और इको फ्रेंडली भी होगा। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि साल 2047-48 तक 12 लाख रुपए तक हो सकती है भारत की प्रति व्यक्ति आय सालाना। $26 ट्रिलियन की हो जाएगी हमारी इंडियन इकोनॉमी, ईवाई की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। इंडियन रेलवे ने भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भारतीय रेलवे का नाम दर्ज हुआ। रेल मंत्रालय ने एक से ज्यादा स्थानों पर आयोजित सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम में सर्वाधिक लोगों की उपस्थिति को लेकर यह नया रिकॉर्ड बनाया है। और वहीं देखिए, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 की भी घोषणा हुई। अंग्रेजी में वैशाली और हिंदी में गौरव को मिला यह अवार्ड। और कुछ युवा पुरस्कार विजेताओं की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। देवेंद्र व नंदनी को बाल साहित्य पुरस्कार भी दिया गया। और खबर देखिए, बकरीद को लेकर बकरे की मंडी गुलजार हुई। 6000 से लेकर 85000 तक बिके बकरे सिद्धार्थनगर में कई जिलों के व्यापारी बाजार में पहुंचे। वह देखिए, बजट को लेकर एक्शन में आई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, 20 जून को करेगी उद्योग मंडलों के साथ पूरी बजट बैठक भी। भारत के लिए एक और अच्छी खबर है, ये कारनामा करने वाला भारत बनेगा 6ठा देश। इसरो ने भी इस उपलब्धि पर सराहना की है। दरअसल दोस्तों, आसमान की ऊंचाइयां छूने के बाद अब भारत समुद्र की गहराइयों में भी गोता लगा सकता है। भारत ने ये नई उपलब्धि हासिल कर ली है। भारत गहरे समुद्र मिशन में शामिल होने वाला दुनिया का 6ठा देश बन चुका है। और वहीं देखिए, दुनिया का 8वां अजूबा भी तैयार हो चुका है भारत में। चिनाब रेल ब्रिज बनकर तैयार हुआ। जम्मू एंड कश्मीर में ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बनाया गया। और अच्छी बात यह कि इसका परीक्षण भी सफल रहा। ब्रिज पर ट्रायल ट्रेन चलाई गई, जिसका वीडियो खुद रेल मंत्री ने शेयर किया। चलिए स्टूडेंट के लिए अपडेट आ रहा, 4 साल ग्रेजुएशन के बाद अब 1 साल का होगा पीजी कोर्स। बीई बीटेक के लिए भी अलग नियम लागू होंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कुल मिलाकर बदलने वाली है। यूजीसी ने पीजी को लेकर एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और इस फ्रेमवर्क के लिए बीई बीटेक के लिए 2 साल का पीजी कोर्स होगा। उच्च शिक्षा आयोग पर सरकार अब बढ़ेगी आगे, प्रधान की तरफ से ये बात भी कही गई, देख सकते हैं आप ज्यादा जानकारी। और बड़ी खबर आ रही दोस्तों, कोरोना के बाद अब एक और नई खतरनाक बीमारी सामने आई। दरअसल जापान में फैला मांस खाने वाला बैक्टीरिया, और इससे 48 घंटे में ही इंसान की जान चली जाती है। और अब तक 977 केस तो मिल चुके हैं इसके। इस बीमारी की शुरुआत खरास और सूजन से होती है। बाकी इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो मरीज के मांस को ही खाने लगता है। इस बीमारी का साइंटिफिक नेम है STSS। और वहीं देखिए, कल फादर्स डे के मौके पर भास्कर के एक सर्वे में चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। बच्चों को भरपूर समय नहीं दे पा रहे 93% पिता। भास्कर सर्वे में 76% पिता बोले कि हमें भावनात्मक सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन हम कह नहीं पाते हैं। इस सर्वे की ये 6 सबसे बड़ी बातें भी आप देख सकते हैं। अगर बच्चे बच्चों के भी मन में कोई बात है तो अपने पिता के दिल से आपको कहनी चाहिए। और वहीं देखिए, नीट एग्जाम की कंट्रोवर्सी के बीच अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी खुद ये बात मानी कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई। उन्होंने कहा कि एनटीए में सुधार की जरूरत है, और इस मामले के पीछे जो अफसर दोषी होंगे उन्हें छोड़ेंगे नहीं। छात्रों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ये कहना है शिक्षा मंत्री का। चलिए खबर देखिए, पीएम मोदी जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे 20 तारीख को। और उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग की और कहा कि आतंकवाद को कुचलें, मददगारों को भी न बख्शें। अमरनाथ यात्रा पर भी कड़ी सुरक्षा की जाए। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है और 21 जून को योग दिवस है। इससे पहले 20 जून को पीएम मोदी वहां जाएंगे। और इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए ने मिलकर रणनीति बनाई, घाटी वाले मॉडल से किया जाएगा जम्मू को आतंक मुक्त। अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश देते हुए कहा कि कश्मीर की तरह जम्मू संभाग में भी शून्य आतंकवाद योजनाओं को लागू करें। अना और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना इसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।